हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश की धामी सरकार के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों को लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अब तक लगभग 1,00,000 करोड़ के इन्वेस्टर मीट के लिए MOU साइन किए गए हैं। अगले माह में भव्य इन्वेस्टर समिट होना है, जिससे कि राज्य में रोजगार और रोजगार की दिशा में प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने देश दुनिया को उत्तराखंड आने का न्योता दिया, आने वाले समय में यहां आर्थिक रूप से लोग और भी सशक्त होंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मैंने जैसे आपको अभी अवगत कराया कि इन 23 वर्षों में विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ा है। अगर हम सड़कों की बात करें, सड़कों का जाल बिछा है, जिससे प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, 6-6 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलग हैं। अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के हमारे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, और इसी कुमाऊं में एक नई यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में खुली है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। और साथ ही साथ जो है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार का ध्येय और उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, और इसके लिए एक युवा मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि मैं इस प्रदेश के युवाओं को, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, चाहे सेल्फ रोजगार का क्षेत्र हो, सबको काम दूं।